अटेली से विधायक और हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर संतोष यादव ने करीना खंड के गांव खेड़ी तलवाना आघियार और कमेला में पहुंचकर लोकसभा चुनाव में मिले प्रचंड जनादेश पर जनता का धन्यवाद किया। इसी मौके पर डिप्टी स्पीकर ने कमेला गांव में 8 लाख की लागत से बने पार्क का उद्घाटन भी किया। आघियार के सरपंच राज ने अपने समर्थकों के साथ डिप्टी स्पीकर की उपस्थिति में कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया, तो वहीं कमेला गांव से समाजसेवी भरत सिंह, पूर्व सरपंच राजू ने कांग्रेस छोड़ और वेद प्रकाश ने भी जजपा छोड़ डिप्टी स्पीकर की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि लोकसभा चुनाव में मिले अपार जनादेश और मोदी मनोहर सरकार की पारदर्शी नीतियों ने आमजन में एक अलग पहचान बनाई है, जिससे आज भारतीय जनता पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ा भी है। डिप्टी स्पीकर ने यह भी कहा कि पार्टी में शामिल होने वाले हर सम्मानित जन को और सम्मान दिया जाएगा। इसी मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इनमें सबसे पहले बागोद के सरपंच श्री विनोद कुमार जी, श्री हरबद सरपंच साहब और सुधीर कुमार पुत्र रमेश सरपंच ने जजपा पार्टी और कांग्रेस पार्टी छोड़कर हमारी पार्टी के साथ आए हैं, उनका स्वागत है। इसी क्रम में अघियार गांव के सरपंच राजेश जी ने आज कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, उनका भी स्वागत करती हूं। और कैमला गांव में आज प्रदेश सचिव इनेलो श्री वेद प्रकाश जी तथा श्री भरत सिंह